Assalamualaikum and hi friends, this is Shayan Siddiqui and today the topic that we are going to discuss is process of social interaction that will include cooperation, competition and conflict. इसके अलावा भी कुछ सब हेडिंग्स हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे इन कमिंग वीडियो. इस वीडियो में हम सिर्फ कॉपरेशन, कॉम्पिटिशन एंड कॉन्फ्लिक्ट को डिस्कस करेंगे. मेरी जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट वॉट इज सोशल इंटरेक्शन एंड टाइप्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन. अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सोशियोलॉजिकल इंफॉर्मेटिव वीडियोस. दैट लीड्स मी टू द टॉपिक सोशल प्रोसेस ऑफ सोशल इंटरेक्शन. सोशल प्रोसेस क्या है पहले ये मालूम होना चाहिए. सोशियोलॉजी में सोशल प्रोसेस मींस कंटिन्यूअस चेंज इन अ डेफिनेट मैनर, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में डेली बेसिस पे रिपीटेटिव फॉर्म्स ऑफ बिहेवियर्स भी हम कहते हैं कि जो डेली बेसिस पे चीजें हो रही होती हैं ये सोशल प्रोसेस में होती हैं. लाइक किसी को ग्रीट करना, ऑफिस जाना, स्टडी करना, किसी से मिलना, दिस कम्स इन काइंड ऑफ सोशल प्रोसेस. अब सोशल इंटरेक्शन का जो सोशल प्रोसेस है इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एसोसिएटिव एंड डिसोसिएटिव. एसोसिएटिव का मकसद ये होता है लोगों को मिलाना, एक दूसरे की हेल्प करना, जो लोग एसोसिएट लाइक लोगों को एक प्रोसेस जिससे लोग एसोसिएट हो जाएं. एंड डिसोसिएट मींस वो प्रोसेस जिससे लोग एक दूसरे से दूर हो जाएं. Associative includes cooperation, accommodation, assimilation, acculturation and amalgamation, and dissociative process includes competition and conflict. As I already mentioned, in this video we'll discuss only about cooperation, competition and conflict, and in coming video we'll discuss about the rest of the subheadings. Cooperation. Cooperation layman ke liye bhi easy topic hai, but cooperation mostly ek hamare paas ek opinion yehi hai ki cooperation kisi ke sath cooperate karna. And then like without taking any kind of favor or any benefit. लेकिन sociology में cooperation ये भी होता है कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, आपने किसी shopkeeper के पास आप गए हैं, आपने पैसे दिए हैं and उसने आपको वो चीज़ दी है, it is a kind of helping each other, it is kind of cooperation. आपको वो चीज़ मिल गई, उसकी sale हो गई, दोनों ने एक दूसरे की help की है. Further, the network of society is based on cooperation and its basic necessity of life. जो भी हमारा एक system है society का, it's based completely on cooperation. And it is kind of basic necessity of life. And no society can develop its social organization, social system without cooperation. That's very much common. कि cooperation के सिवा social organization या social system develop हो ही नहीं सकता. Types पे आ जाएं. Direct, indirect cooperation. पहले discuss करते हैं direct cooperation. बहुत simple है. Direct cooperation वो cooperation होता है जिसमें like आप लोगों की like सब लोग एक ही काम कर रहे होते हैं. At the same time, common end या common interest भी एक ही होता है. लाइक प्रेइंग, सब टेम्पल में या मॉस्क में या लाइक किसी भी रिलीजियस एक जिस रिलीजन को वो फॉलो कर रहे हैं उस हिसाब से वो एक कलेक्टिव इबादत कर रहे होते हैं, तो वो एट द एंड ऑफ द डे सब इबादत ही कर रहे हैं. एंड कॉमन लाइक कॉमन इंटरेस्ट होता है. स्टडी करना, ग्रुप में सब एक ही काम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं, इंटरेस्ट यही होता है कि हमें नॉलेज हासिल हो. ऑडियंस चेयर कर रही होती है, बुक कर रही होती है, एंड काइंड ऑफ ग्रुप एक ही काम कर रहे होते हैं. People helping an injured person, किसी को चोट लगी सब उसकी help करने आ गए. For instance, जैसे अक्सर देखते हैं अल्लाह ना करे किसी का accident हो जाता है तो help करने लोग आ जाते हैं. सब एक ही काम कर रहे होते हैं और वो काम होता है to help that injured person. And interest भी यही होता है. Indirect थोड़ा सा opposite है. Indirect में ये है कि at the end of the day common interest होता है, लेकिन एक चीज में बड़ा फर्क होता है कि सब अलग अलग काम कर रहे होते हैं हमारे पास इसमें. इसमें मैं मिसाल दूंगा, ऑनर्स ऑफ मिल एंड वर्कर्स कॉपरेट विद वन अनदर. सबका काम लाइक अलग अलग है, डिवीजन ऑफ लेबर है. मिल ऑनर का अपना काम है और वर्कर्स का अपना अपना काम है. बट एट द एंड ऑफ द डे कॉमन इंटरेस्ट यही है कि फैक्ट्री सर्वाइव करे. मिल ऑनर कहेगा कि फैक्ट्री सर्वाइव करे, अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उसका बिजनेस चलता रहे. एंड वर्कर्स के लिए यही है कि उनकी लाइक इनकम जो भी जनरेट हो रही है वो मिल के जरिए ही हो रही है. जैसे टीचर स्टूडेंट्स के साथ कॉपरेट करता है, टीचर अपना काम कर रहा होता है, स्टूडेंट अपना काम कर रहे होते हैं, अलग अलग काम है. दोनों को एक कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझिए कि दोनों के अलग अलग काम है लेकिन कॉमन इंटरेस्ट होता है. दैट लीड्स मी टू द कॉम्पिटिशन. कॉम्पिटिशन स्ट्राइविंग ऑफ टू और मोर पर्सन फॉर द सेम गुड विच इज लिमिटेड सो देट ऑल कैन नॉट शेयर. यह कि एक या दो से एक से ज्यादा चीज भी हो सकती है, उसको अचीव करने के लिए, उस प्राइज उस पोस्ट को अचीव करने के लिए जब लोग मेहनत कर रहे हैं, कॉम्पीट कर रहे हैं, दिस इज काइंड ऑफ अ कॉम्पिटिशन. ये लोगों को अलग करता है, ये लोगों को मिलाता नहीं है, दिस इज डिसोसिएटिव. इसमें हमारे पास एब्सोल्यूट कॉम्पिटिशन एंड रिलेटिव कॉम्पिटिशन भी है. एब्सोल्यूट कॉम्पिटिशन बहुत सिंपल बेसिक, जब लाइक अ कॉम्पिटिशन वेयर ओनली वन पर्सन कैन विन द प्राइज एंड अचीव द गोल. एक ही इंसान, एक ही बंदा, एक ही लाइक कंटेस्टेंट जो है वो जीत सकता है, एक प्राइस सिर्फ है. इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट. लाइक द प्राइम मिनिस्टर ऑफ एनी कंट्री कैन बी लाइक ओनली अ सिंगल पर्सन.
किसी क्रिकेट टीम का कोई कैप्टन एक ही हो सकता है, किसी स्टेट का कोई सीएम एक ही हो सकता है, गवर्नर एक ही हो सकता है, तो लाइक चेयरमैन ऑफ द डिपार्टमेंट या डीन ऑफ एनी फैकल्टी और वाइस चांसलर ऑफ एनी यूनिवर्सिटी कोई एक ही हो सकता है, दो या दो से ज्यादा नहीं हो सकते। दिस कम्स इन काइंड ऑफ एब्सोल्यूट कॉम्पिटिशन। अब आ जाए रिलेटिव पे, रिलेटिव थोड़ा सा ऑपोजिट है, दो या दो से ज्यादा पोजीशंस हो, एक डिपार्टमेंट में चार या तीन लेक्चरशिप की पोस्ट आ गई, वहां पे आप अप्लाई कर रहे हैं, इट मींस 10 लोग अगर अप्लाई कर रहे हैं तो 3 लोग लेक्चरर बन जाएंगे, 7 नहीं बन पाएंगे। मकसद एक पोस्ट नहीं है, एक से ज्यादा है। एट द सेम टाइम वेल्थ प्रेस्टीज कोई भी हासिल कर सकता है, स्पेसिफिक नहीं है किसी कोई लाइक किसी एक स्टेट में एक ही इंसान के पास वेल्थ एंड प्रेस्टीज होगी, किसी के पास भी हो सकती है। अब आ जाए पर्सनल इम्पर्सनल पे। पर्सनल कंपटीशन वो होता है जब आप पर्सनल रीजंस के लिए किसी से कॉम्पीट करें, कोर्ट में कॉम्पीट करें अपने पर्सनल रीजंस के लिए, दिस कम्स इन काइंड ऑफ पर्सनल कंपटीशन। एंड देन इम्पर्सनल मींस जब आप कलेक्टिव एक इंटरेस्ट के हिसाब से काम कर रहे हो ऑफिशियल बेसिस पे, जैसे मेंबर्स ऑफ यूनियन दे प्रोटेस्ट अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप एक यूनियन के लाइक मेंबर हैं या यूनियन के लाइक एक हेड हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो आपको लाइक वो चीज नहीं मिल रही, दैट्स व्हाई आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं बोनस के लिए। तो ये किसी का पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, ये कलेक्टिव प्रॉब्लम है, तो दिस कम्स इन इम्पर्सनल कंपटीशन। देन वी हैव कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट इज अ प्रोसेस और सिचुएशन इन व्हिच टू और मोर ह्यूमन बीइंग्स और ग्रुप्स सीक एक्टिवली टू थ्रेट ईच अदर्स पर्पसेस, टू प्रिवेंट ईच अदर्स इंटरेस्ट, एंड दे कैन इवन इंजर और डिस्ट्रॉय ईच अदर। Deliberately किसी को oppose करना, resist करना, harm एक पहुंचाना, like fighting, killing, to injure, wars, this comes kind of conflict. Direct and indirect conflict में again इसको divide किया गया है, a conflict in which people seek to attain some objective by restraining, injuring or destroying one another. अब ये है कि ये direct एक fight होती है, directly एक revolution on basis पे हम जब fight कर रहे होते हैं, किसी को इंजर कर रहे होते हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, फेस टू फेस दिस कम्स इन डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट। एंड इनडायरेक्ट ये होता है कि जब हम अपने राइवल के पाथ पे ऑब्स्टेकल्स रखें, लाइक बैक बाइटिंग, क्रिएटिंग मिसकंसेप्शंस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा करना, छुप छुप के पीछे पीछे काइंड ऑफ बैक बाइटिंग, दिस कम्स इन इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट। डायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्टली आप उसको इंजर कर रहे हैं, फिजिकली नुकसान पहुंचा रहे हैं या वर्बली भी आप उसको बोल रहे हैं। इनडायरेक्ट मीन्स छुप छुप के आप उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसके लाइक रस्ते में ऑब्स्टेकल्स, लायबिलिटीज रख रहे हैं। If you have any question regarding today's lecture, you can comment your question in the comment section. Please like the video, share the video, and subscribe my channel. Thanks for watching.